नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार यादव परिवार में इस वक्त शोक का माहौल है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा ही परिवार इस वक्त काफी ज्यादा दुखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, जो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है, 9 जुलाई के दिन साधना गुप्ता ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। लंबे वक्त से वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। लंग्स इन्फेक्शन के चलते साधना गुप्ता को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 10 जुलाई के दिन लखनऊ के पीपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। साधना गुप्ता के गुजर जाने के बाद अब परिवार से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव और छोटे बेटे प्रतीक यादव के रिश्ते के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी रही। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और 23 मई साल 2003 में साधना गुप्ता के साथ मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी कर ली। कहा जाता है कि इस शादी के खिलाफ रहे अखिलेश यादव। मुलायम और मालती देवी के बेटे हैं अखिलेश यादव और ऐसे में वह साधना गुप्ता के साथ शादी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साधना गुप्ता पर कई एलिगेंस भी लगे। साधना गुप्ता पर ये आरोप लगाया गया कि पिता और बेटे के रिश्ते में जो दरार आई है उसकी वजह वह है। वहीं साधना गुप्ता को ये हिदायत दी गई कि वह कभी भी सैफई नहीं आएंगे और ऐसे में साधना गुप्ता अपने पूरे ही यादव परिवार से दूरी बनाती हुई देखी गई। हालांकि शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी सरला देवी के साथ उनका बॉन्ड काफी प्यारा रहा। शिवपाल सिंह यादव के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी रही, हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में। साथ ही साथ आपको बताया अब तक यहां पर दोनों ही बहुओं के बारे में, डिंपल यादव अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। दोनों ही बहुओं को भी उन्होंने काफी प्यार दिया। अखिलेश यादव भले ही साधना गुप्ता से नाराज रहे, लेकिन साधना गुप्ता ने उन्हें अपनी आंखों का तारा बताया। लेकिन अब उनके गुजर जाने के बाद अखिलेश यादव प्रतीक यादव के साथ खड़े हुए हैं। आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच का अब ये रिश्ता जल्द से जल्द कितना बेहतरीन होने वाला है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा ही परिवार इस वक्त काफी दर्द भरे दौर से गुजर रहा है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, जो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं, साधना गुप्ता के निधन से पूरा ही परिवार गहरे सदमे में हुआ है। साधना गुप्ता की गुजर जाने के बाद उनके बेटे और बहुएं अपने दिल का दर्द भी बयां करते हुए देखे जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में, मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटों के बारे में हमने आपको बताया, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बारे में कि किस तरीके से वह अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते के बारे में। साधना गुप्ता और उनके पहले पति के बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव से हमेशा ही दूर नजर आए अखिलेश यादव। दोनों को कभी भी साथ में नहीं देखा गया, लेकिन साधना गुप्ता की अंतिम विदाई के दौरान दोनों ही भाई एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। हम सभी ने देखा तमाम तस्वीरों और वीडियोज में कि अंतिम संस्कार के दौरान की प्रक्रिया को बखूबी निभाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो साधना गुप्ता से हमेशा ही दूर रहे, साधना गुप्ता ने अखिलेश यादव को अपनी आंखों का तारा बताया था। राजनीति की दुनिया में साधना गुप्ता और अखिलेश यादव के संबंध को लेकर कई ऐसी अफवाहें उड़ी। दोनों ही एक दूसरे से अलग रहे, दोनों को साथ में नहीं देखा गया, ना ही डिंपल यादव नजर आई साधना गुप्ता के साथ। लेकिन देखा जाए तो
अब परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अब लगता है कि काफी हद तक यहां पर अखिलेश यादव प्रतीक यादव के साथ खड़े रह सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रतीक यादव जिन्हें राजनीति की दुनिया में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। प्रतीक यादव लखनऊ के पॉश गोमती नगर इलाके में अपना जिम चलाते हैं, जिसका उद्घाटन मुलायम सिंह यादव ने किया था। प्रतीक यादव काफी ज्यादा ध्यान देते हैं अपने बिजनेस पर। प्रतीक यादव को राजनीति की दुनिया से दूर रहना काफी पसंद है और अखिलेश यादव राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वह जिम से उन्हें प्रतीक यादव को जिम से वक्त मिलता है तो रियल एस्टेट के कारोबार पर भी ध्यान देते हैं। वहीं राजनीति की दुनिया में एक्टिव हैं अपर्णा विष्ट यादव। अपर्णा यादव और डिंपल यादव के बीच का रिश्ता काफी अच्छा नजर आता है, दोनों की तमाम तस्वीरें देखी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि अब साधना गुप्ता के गुजर जाने के बाद अखिलेश और प्रतीक की जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, अपने दिल के दर्द को वह सोशल मीडिया के जरिए बयां करते हुए नजर आए हैं। उन्हें देखकर जाहिर होता है कि दोनों ही जल्द एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। आप सभी ने देखा जाना यादव परिवार के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख को जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव, वहीं दोनों ही बहुएं अपर्णा विष्ट यादव और डिंपल यादव। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।